बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजी हब बाय तलहा। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में और प्रीफिक्स से इनफिक्स में कैसे कन्वर्जन्स कर सकते हैं। ओके जी, उससे प्रीवियस आप लोगों को जो पता होना चाहिए प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स के बारे में, ये आपको ऊपर लिंक नज़र आ रहा है प्रीवियस वीडियो का, ठीक है, आप वो भी वहाँ से भी सीख सकते हैं। और आफ्टर दैट अभी हम आते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन्स की तरफ। सपोज वी हैव एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने, अब हमने इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, इनफिक्स एक्सप्रेशन में। सो किस तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों को कुछ रूल्स पता होना चाहिए, मेनली दो रूल्स। एक तो ये कि हमने इसको अब रीड करना शुरू करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सपोज ए बी सी मल्टीप्लाई माइनस एंड ऑल दैट, ओके, लेफ्ट टू राइट रीड करना शुरू करेंगे। और इसमें जब मैं ऑपरेटर की बात करूंगा, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर आएगा, देन हमने इसको रीड कैसे करना है। सपोज अगर दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y, ठीक है, देन हम इसमें जब x एंड y होंगे तो पहले किस तरीके से सॉल्व करेंगे, y ऑपरेटर आफ्टर दैट x, ठीक है। ये किस तरीके से होगा, अभी आप लोगों को जब ड्राई रन करेंगे इसको तो पता लग जाएगा इन दोनों रूल्स का, ठीक है जी। चले आते हैं, अब हमने इसको स्टार्ट करते हैं इसी एक्सप्रेशन को, ए बी सी मल्टीप्लाई माइनस डी एंड प्लस, ओके जी, हम इनको रीड करना शुरू करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगेन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक फॉर दिस। क्या होता है कॉन्सेप्ट हमारे पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट का, जो सबसे लास्ट में इन होता है सबसे पहले आउट भी वही होता है, ओके जी। तो अब यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास कोई ऑपरेंड आएगा, ओके, हम उसको स्टैक में पुश करवा देंगे, ओके, और जब भी कोई ऑपरेटर आएगा देन हम उसको स्टैक में पुश नहीं करवाएंगे, देन हम क्या करवाएंगे, दो ऑपरेंड्स को पॉप करवाएंगे, ठीक है, और उनके दरमियान वो ऑपरेशंस परफॉर्म करवा देंगे। किस तरीके से, लेट्स सी। सपोज सबसे पहले एक्सप्रेशन में हमारे पास लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, ए को रीड किया तो फर्स्ट ली क्योंकि ऑपरेंड है, ऑपरेंड को सिंपली हम स्टैक में पुश करवा देते हैं, ठीक है जी, स्टैक में पुश हो गया। आफ्टर दैट बी, बी को भी क्या करेंगे, हम सिंपली स्टैक में पुश करवा देंगे। आफ्टर दैट सी, सी को भी क्या करवाएंगे, सिंपली स्टैक में पुश करवा देंगे। जब तक ऑपरेंड्स आ रहे हैं तब तक हम इनको क्या करवाएंगे, सिंपली पुश करवाते जाएंगे, ओके जी। ए बी और सी यहाँ तक हो गए हमारे पास स्टैक में पुश, पुश मीन्स इंसर्शन। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई, अब जैसे ही मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया तो एक चीज़ हमने याद रखनी है जो मैंने पहले भी बताई है। अब सपोज हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, हम ए बी और सी की एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आगे भी मल्टीपल एग्जांपल्स आ सकती हैं आपके पास। सो बेटर इज कोई दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, जस्ट लाइक एक्स एंड वाई। सबसे पहले जिसको पॉप करवाएंगे, सपोज दैट्स अ सी, उसको रखवा दिया हमने एक्स में, ओके। आफ्टर दैट बी, उसको भी पॉप करवाया, उसको भी कहाँ पर रखवा दिया, वाई में। अब x में वैल्यू पड़ी हुई है c और y में वैल्यू पड़ी हुई है b, ओके। सो द रूल इज y ऑपरेटर एंड देन x, गॉट इट। सो y की क्या हमारे पास वैल्यू है, b है इस टाइम, x में c पड़ा हुआ है और ऑपरेटर अब कौन से वाला था, मल्टीप्लाई वाला। तो इसमें ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया b मल्टीप्लाइड बाय c, ओके। अब b मल्टीप्लाइड बाय c जब हमारे पास आ गया, इट्स मीन इस एक्सप्रेशन का अब जो भी बना, अब हम इसको पुश करवा रहे हैं किसमें, स्टैक में, ओके, रेदर देन b एंड c इटसेल्फ। अब स्टैक में क्या पड़ा हुआ, अब स्टैक में a पड़ा और उसके ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ b मल्टीप्लाइड बाय c, ओके। नेक्स्ट हमारे पास देख चेक करें लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए, नेक्स्ट क्या आ रहा है, कोई ऑपरेटर आ रहा है या ऑपरेंड आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है जी माइनस साइन, माइनस साइन, ओके। जैसे ही माइनस साइन आता है हमें पता है अगेन हम क्या करते हैं, दो ऑपरेंड्स को पॉप करवाएंगे, ठीक है, मीन्स डिलीट करवाएंगे और उनके दरमियान वही ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। और सपोज अगेन उसी तरीके से x एंड y वेरिएबल्स लेंगे, उनमें हम रखवा के चेक करते हैं। सपोज b मल्टीप्लाइड बाय c हमने रखवा दिया x में, ठीक है, और इसके बाद a रखवा दिया हमने किस में, y में, और अब एक्सप्रेशन क्या बन गया, y ऑपरेटर x। चेक करें एक्सप्रेशन, अब हमारे पास बन गया a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय c, गॉट इट। और अब जो आंसर बना हम इसको पुश करवा देते हैं स्टैक में। नेक्स्ट रीड करें, नेक्स्ट आ गया d, d इज एन ऑपरेंड, हम इसको सिंपली क्या करवाएंगे, पुश करवा देते हैं, ओके, हमने पुश करवा दिया स्टैक में। और नेक्स्ट प्लस साइन, जैसे ही हमने प्लस साइन लेके आए हैं, प्लस इज एन ऑपरेटर,
और अगर हमें पता है ऑपरेटर आ जाए तो हम क्या करवाते हैं, हम सिंपली पॉप करवाएंगे ऑपरेंड्स को, ठीक है, और उनके दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करवा के रिजल्ट रखवा देंगे। चेक करें कैसे बनेगा। सबसे ऊपर पड़ा हुआ डी, डी पॉप होगा, ओके, वो आ गया एक्स में, और उसके बाद क्या पॉप हो रहा है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है। अब ज़रा चेक करें, अब ऑपरेटर जब हम इनको परफॉर्म करवाते हैं सिंपली वैसे ही वाई ऑपरेटर एक्स, इसका मतलब है हमारे पास क्या प्रोसीजर बन रहा है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, आफ्टर दैट प्लस एंड आफ्टर दैट डी, ओके जी। अब ये हमारे पास पूरे का पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इन फिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। इन फिक्स एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेटर्स कहाँ पे होते हैं, सेंटर में। तो अब ये पूरे प्रोसीजर में याद रखने वाली अब जो दो चीज़ें थी, अगेन मैं दोबारा बताता हूँ, अब इजीली समझ आ जाएगी जो मैंने शुरू में बताई थी। एक तो ये कि हम एक्सप्रेशन को रीड करना शुरू करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम क्या करवा रहे हो, पोस्ट फिक्स से इन फिक्स में कन्वर्जन करवा रहे हो। और सेकेंडली ये कि हम जब पॉप करवाते हैं, सपोज फर्स्ट वैल्यू पॉप करवाई उसको रखवाते हैं एक्स में, सेकेंड वैल्यू पॉप करवाई इसको रखवाते हैं वाई में, तो हम यहाँ पे जो ऑपरेटर जब भी आए हम उसको सॉल्व करवाते हैं वाई ऑपरेटर देन एक्स, ओके, वाई की पोजीशन पहले आती है, एक्स की पोजीशन बाद में आती है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से अब अगर हमारे पास कोई प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आ जाता है, हम उसको भी इनफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। हम नेक्स्ट एग्जांपल को लेके चलते हैं, प्रीफिक्स से इनफिक्स में कन्वर्जन। अब इसके लिए भी वही दो रूल्स, लेकिन किस वे में याद रखने हैं, पहले वो दोनों रूल्स ही सुन लें। सपोज इस दफ़ा हमने जो एक्सप्रेशन को रीड आउट करना है उसको रीड करना शुरू करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसे रीड करना शुरू करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वन थिंग, एंड द सेकेंड थिंग इज अब हमने क्या करवाना है, जैसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में देखा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमने देखा था वाई ऑपरेटर उसके बाद एक्स, लेकिन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, पोजीशन चेंज हो जाती है, एक्स ऑपरेटर देन वाई, ठीक है। मींस जो फर्स्ट टाइम पॉप करवाते हैं फर्स्ट ऑपरेंड उसको हम पहले कंसीडर करेंगे एक्स, आफ्टर दैट ऑपरेटर, एंड आफ्टर दैट सेकेंड ऑपरेंड जो भी हम पॉप करवाते हैं उसको कंसीडर करते हैं। तो एक्स ऑपरेटर वाई हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे, ओके। दो रूल्स मेनली कौन कौन से याद रखने वाले हैं, जब प्रीफिक्स है इनफिक्स के में हम कन्वर्जन करेंगे, मेनली ये है कि हम राइट टू लेफ्ट रीड करना शुरू करेंगे एक्सप्रेशन को, और हमने जब स्टैक में से पॉप आउट करवा रहे होना है तो हमने एक्सप्रेशन क्या सॉल्व करवाना है, किस तरीके से, एक्स ऑपरेटर देन वाई, ठीक है जी। अब सपोज ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे सामने, प्लस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसको हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है और अब इसको हम कन्वर्ट करने लगे हैं किसमें, इनफिक्स एक्सप्रेशन में। चलें देखते हैं सिंपली, अब इस दफा हमने क्या से स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके जी। राइट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आ रहा है डी, डी को सिंपली क्या करवा दें, स्टैक में पुश करवा दें, ऑपरेंड है, ठीक है। जब जब भी ऑपरेंड आएंगे हमने क्या करवाना है, स्टैक में सिंपली पुश करवा देना है, करवा दिया। आफ्टर दैट सी, सी को भी सिंपली क्या करवा दिया, स्टैक में पुश करवा दिया। आफ्टर दैट बी, बी इज इन अनदर ऑपरेंड, उसको भी क्या करवा दिया, स्टैक में पुश करवा दिया। तो स्टैक में पड़ा हुआ है डी सी और उसके ऊपर बी। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई का सिंबल। अब जैसे मल्टीप्लीकेशन इज एन ऑपरेटर, ओके, जैसे ही आया है हम फौरन से क्या करवाएंगे, दो ऑपरेंड्स को पॉप करवाएंगे स्टैक में से, ऑपरेशन परफॉर्म करवा के रिजल्ट रखवा देंगे अब स्टैक में। लेकिन इस दफा किस तरीके से करवाना है, याद है ना, सपोज सबसे ऊपर बी है, बी को हमने पॉप करवाया उसको रखवाया है एक्स में, ठीक है, एक्स इज एन वेरिएबल, ठीक है। सी उसको पॉप करवाया उसको रखवा दिया वाई में, ठीक है। और इस दफा हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन रही थी, एक्स ऑपरेटर वाई, नॉट वाई ऑपरेटर एक्स, जो हम यूज करते थे पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में कन्वर्जन में। अभी प्रीफिक्स से इनफिक्स में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, एक्स ऑपरेटर देन वाई, ओके जी। इसका मतलब है एक्स में क्या वैल्यू पड़ी है, बी, और वाई में पड़े हुए सी, और ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लाई, तो ये एक्सप्रेशन बन गया बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ओके। अब बी मल्टीप्लाई बाई सी हमने कहाँ पे रखवा दिया, स्टैक में, डन, ओके। मल्टीप्लाई के बाद राइट टू लेफ्ट रीड कर रहे हैं, चेक करें क्या आ रहा है,
ए इज एन ऑपरेंड, जैसे ही ऑपरेंड आएगा सिंपली हम उसको स्टैक में पुश करवा लें। स्टैक में पहले पड़ा हुआ था डी, उसके बाद बी मल्टीप्लाई सी, और आफ्टर दैट क्या आ गया ए। जब ए भी आ चुका है उसके बाद आ रहा है माइनस सिंबल। अब जैसे ही माइनस सिंबल आएगा अगेन हमने क्या करना है, पहले दो ऑपरेंड्स को पॉप करवाना है। फर्स्ट जो पॉप करवाया दैट इज ए, ए आ जाएगा एक्स में, और सेकंड में आ गया बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये आ जाएगा सपोज वेरिएबल वाई में। और हमने पहले किसको लिखना है, सेम एक्सप्रेशन एक्स ऑपरेटर देन वाई, इट्स मीन एक्स की वैल्यू पहले आएगी, सपोज ए देन ऑपरेटर इज माइनस देन y की वैल्यू, y में क्या पड़ा हुआ b मल्टीप्लाई बाय c, इट्स मीन a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय c। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ तक हो गया, और इसको हमने पुश भी करवा दिया स्टैक में। स्टैक में क्या पड़ा हुआ है d, और d के ऊपर a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय c। आफ्टर दैट लास्ट थिंग इज सिर्फ प्लस का सिंबल रह गया, और जब प्लस का सिंबल हम चेक करें, और जब प्लस को हम करवाएंगे, इट्स मीन प्लस इज एन ऑपरेटर, हमने पूछ नहीं करवाना स्टैक में, क्या करवाएंगे स्टैक में से ऑपरेंड्स को पॉप करवाएंगे और उनमें ऑपरेशन परफॉर्म करवा के रिजल्ट्स देखेंगे। चेक इट आउट क्या बनता है, सपोज ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ये हमारे पास पॉप हुआ और किसमें आ गया, सपोज एक्स वेरिएबल में, ठीक है। आफ्टर दैट वाई में क्या आ गया, वाई में आ गया डी जो बाद में अगेन पॉप करवाया है। और अभी जरा चेक करें एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन रहा था, एक्स ऑपरेशन देन वाई, ओके जी। अब जरा देखते हैं, एक्स में हमारे पास पड़ा हुआ था ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ओके। आफ्टर दैट ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ, प्लस, और आफ्टर दैट वाई में क्या पड़ा हुआ था डी, सो एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड सी प्लस डी। तो अब इस तरीके से हमने प्रीफिक्स से किस में कन्वर्जन कर ली, प्रॉपर इनफिक्स एक्सप्रेशन में। सो ये दोनों क्राइटेरिया से आपके सामने बड़े इजी वे में मैंने समझा दिया कि जब हमके पास कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आ जाए उसको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। सिंपली दो रूल्स कौन से थे, हमने रीड करना शुरू करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, और ऑपरेटर्स जब हम यूज़ करते हैं देन कैसे यूज़ करते हैं, वाई ऑपरेटर एक्स, ओके। और जब प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में कन्वर्ट करना है अगेन दो रूल्स, कौन कौन से, हम रीड करना शुरू करते हैं एक्सप्रेशन को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। एंड द सेकंड थिंग इज अब जब एक्सप्रेशन सॉल्व करवाते हैं देन हम किस तरीके से करवाएंगे, एक्स ऑपरेटर देन वाई, ओके। तो बड़ा इजी हो गया आप लोगों के लिए, कोई भी एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने आए प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स उसको ईजिली कन्वर्ट आप लोग कर सकते हैं इनफिक्स में। तो होपफुली आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। टेक्नोलॉजी हब बाय तल्हा, थैंक यू सो मच।